गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड चांस एल्गोरिथम, इसी को हम क्लॉक एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो सेकंड चांस एल्गोरिथम बेसिकली फीफो एल्गोरिथम का मॉडिफाइड रूल है। इसका वीडियो आज मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ सेकंड चांस एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताता हूँ क्लॉक एल्गोरिथम या सेकंड चांस इसको बोलते हैं। ऑन पेज फाइव सर्च थ्रू पेजेस, अब इसमें ज़रा ध्यान देखिएगा, इफ पेज रेफरेंस बिट इज सेट टू वन, अगर पेज रेफरेंस बिट आपकी वन सेट है तो सेट इट्स रेफरेंस बिट टू जीरो एंड स्किप इट, गिव इट अ सेकंड चांस, हम इसको एक सेकंड चांस देंगे। मतलब कि सेट इट्स रेफरेंस बिट टू जीरो, इसकी रेफरेंस बिट को हमें जीरो सेट करना होगा एंड स्किप इट, और इसको स्किप करना होगा, गिव इट अ सेकंड चांस। दूसरा ये कि इफ पेज रेफरेंस बिट इज सेट टू जीरो, अगर रेफरेंस बिट आपकी जीरो सेट है तो सेलेक्ट दिस पेज फॉर रिप्लेसमेंट, उस पेज को हम रिप्लेस करेंगे एज ए फीफो माइनर, ऑलवेज स्टार्ट द सर्च फ्रॉम वेयर द लास्ट सर्च लेफ्ट ऑफ, ये सेकंड चांस में होता है। सॉरी, देखिए आगे देखते हैं क्लॉक एल्गोरिथम है। सपोज करिए ये पी जीरो है, इसका रेफरेंस बिट जीरो है, ठीक है, ये पी वन है, तो ये पॉइंटर टू फर्स्ट पेज टू चेक, ये पी वन है, इसकी रेफरेंस बिट क्या है, वन है, तो यूजर रेफरेंस पी फोर नॉट करेंटली पेज, पी फोर नॉट करेंटली पेज स्टार्ट एट पी सिक्स, पी वन एट पी सिक्स एंड सेट दियर रेफरेंस बिट जीरो, देखिए जीरो है, गिव देम सेकेंड चांस, इनको सेकेंड चांस मिल जाए। चेक पी थ्री एंड नोटिस इट्स रेफरेंस बिट जीरो, पी थ्री का चेक करो जीरो, तो सेलेक्ट पी थ्री फॉर रिप्लेसमेंट, सेट पॉइंटर टू पी नाइन फॉर नेक्स्ट सर्च। अब इसमें कुछ डर्टी पेज होते हैं, डर्टी पेज में क्या है कि इफ अ पेज हैज बीन रिटन टू इट्स इज डर्टी बिफोर अ डर्टी पेज कैन बी रिप्लेस्ड इट मस्ट बी रिटन टू दिस, अ क्लीन पेज डज नॉट नीड टू बी रिटन टू दिस, द कॉपी ऑन दिस इज ऑलरेडी अप टू डेट, वी वुड रैदर प्लेस एन ओल्ड क्लीन पेज देन एन ओल्ड डर्टी पेज। देखिए एक चीज में और हम देख सकते हैं, वेरी सिमिलर टू क्लॉक एल्गोरिथम, इंस्टेड ऑफ टू स्टेज रेफरेंस डी एंड नॉट रेफरेंस डी विल विल बी फोर स्टेज, जीरो जीरो नॉट रेफरेंस क्लीन, जीरो वन नॉट रेफरेंस डर्टी, वन जीरो रेफरेंस बट क्लीन, वन वन रेफरेंस एंड डर्टी, ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंसेज फॉर रिप्लेसमेंट गोज इन द ऑर्डर लिस्टेड एबव एंड एड अ सेकेंड बिट टू पी टी डर्टी बिट, हार्डवेयर सेट्स दिस बिट ऑन राइट टू पेज, वी एस कैन क्लियर दिस बिट, नाउ जस्ट डू क्लॉक एल्गोरिथम एंड लुक फॉर बेस्ट पेज टू रिप्लेस, दिस मेथड में रिक्वायर मल्टीपल पासिस थ्रू द लिस्ट। एक चीज होती है पेज बफरिंग, इट इज एक्सपेंसिव टू वेट फॉर डर्टी पेज टू बी रिटन आउट, टू गेट प्रोसेस स्टार्टेड क्विकली ऑलवेज कीप अ पूल ऑफ अ प्री फ्रेम ऑन अ पेज फॉल्ट, तो सेलेक्ट अ पेज टू रिप्लेस, राइट न्यू पेज इन टू अ फ्रेम इन द प्री पूल, मेक अ पेज टेबल, सॉरी मार्क अ पेज टेबल, रिस्टार्ट द प्रोसेस, नाउ राइट द डर्टी पेज आउट टू डिस्क, तो प्लेस फ्रेम होल्डिंग रिप्लेस पेज इन द फ्री पूल। चलिए मैं आपको बताता हूँ
उसमें सेकंड चांस थे कि कैसे ये पीपल की तरह मॉडिफाई होती है। देखिए सबसे पहले एक जो रेफरेंस सिस्टम दी होगी, मैंने ले लिया मान लो पेज में 3 5, ये वैल्यू यहां पर मैंने ले रखी। अब ये देखते हैं इसमें, समझ ले यहां पे कि अगर आपकी रेफरेंस बिट 1 है तो पेज आपका जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो पेज रिप्लेस नहीं होगा, यानी 1 पे आप पेज रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर 0 है तो वो रिप्लेस होगा। तो जैसे कि ये थ्री पेज है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए 2 है, पहले 2 आएगा। ओके, जैसे 2 आता है हम यहाँ पर इसकी रेफरेंस बिट क्या कर देते हैं, 0 सेट कर देते हैं स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद 2 के बाद हम देखते हैं और बनाते हैं इसमें ये तो आपका 2 रहा, तो प्रीफ्रेंस बिट 0 है, 3 आता है। अब 3 आएगा तो इसकी जो रेफरेंस, ये देखो पेज फॉल्ट हुआ आपका यहाँ पर, क्योंकि मेमोरी में कोई पेज नहीं था, ये पेज फॉल्ट हुआ, ये भी पेज फॉल्ट हुआ। इसको भी हम 0 ही सेट करेंगे। अब देखिए आ गया 2, ये हो गया और ये हो गया, अब आ गया ये, इसको क्रॉस करेंगे बट 2 को एक सेकंड चांस मिलेगा। तो सेकंड चांस जब मिलेगा तो ये तो 3 का, ये आपका 0 है, यहां पर 2 फिर से आया। अब यहां पर इसकी रेफरेंस बिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपका रहा पेज हिट, हिट पेज रहा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग हम 0 जब लेते हैं तो 0 लोकेशन पे आ गया मेमोरी, ये 3 फ्रेम हमने F1 F2 F3 ले रखे हैं। जैसे ही पेज 2 दोबारा आया तो पेज तो हिट हुआ बट उसका रेफरेंस बिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसके बाद वन आया, ये आपका टू रहा, इसका पेज वेट ये रहा, ये आपका थ्री है तो जीरो रहा, ये आपका वन यहाँ पर रहा, ये भी जीरो रहा, ये आपका वो पेज फॉल्ट। अब देखिए एक और चांस, यहां पर अब आया फाइव, अब तीनों फ्रेम फुल है, अब फाइव को हम रिप्लेस करेंगे। तो फाइव को रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा पेज सेलेक्ट करेंगे? तो ये जो दो वाला पेज, ये तो आपका रिप्लेस नहीं होगा। अब हम देखते हैं थ्री और वन में, तो देखिए थ्री और सबसे पहले कौन आया था? थ्री आया था, देखिए थ्री पहले आया था बाद में वन आया था। तो पीपल में क्या होता है, जो ओल्डेस्ट पेज होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं ना। तो ये आपका टू, अब थ्री पेज आपके यहाँ से रिप्लेस होगा। यहां पे क्या जाएगा? फाइव, ये हो जाएगा वन, ये जीरो, ये भी जीरो, ये रहा वन। फिर इसके बाद सॉरी, ये अब आपका जो है नेक्स्ट, आप देखिए पेज हमारा कितना आता है? टू आता है, अर्थात यहां पे आपका हिट पेज रहा। टू आता है तो इससे पहले हम इसकी रेफरेंस को देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा जीरो, ये वन, ये आपका वन है, ये आपका फाइव, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो, और ये अब क्या हो जाएगा? वन, क्योंकि टू को आपने सेकंड चांस दे दिया। देखिए क्योंकि अगर टू ना मिलता तो ये वैल्यू आपकी वन पे रहती। अब ये जीरो हो गई, ये एक और टू आ गया, ये जीरो तो ये वन हो जाएगा, इसको सेकंड चांस मिल गया। अब देखते हैं अगला, टू के बाद आपका आता है फोर, फोर पे देखते हैं कि फोर आपका कैसे रिप्लेस होगा। ये तो वन है, ये तो रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन अब ये फोर इन दोनों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया? वन आया, गौर से देखो, वन के बाद फाइव आया ना, तो ये आपका वन से रिप्लेस हो जाएगा। जीरो आपका, अब देखिए सेकंड चांस की वजह से फिर फाइव आया, यानी पेज फॉल्ट हुआ। यानी यहां पे
ये आपका पेज हिट होता है। ये हिट पेज हुआ और ये पेज फॉल्ट हुआ। अब ये यहाँ पे फिर से हिट पेज होगा अर्थात 5। तो ये रहा, ये तो 2 रहा, यहाँ पे 5, ये आपका क्या बन जाएगा 1, आपका 0, ये आपका 5। ओके, अब देखते हैं आगे। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अब हमारा अगला 3 पेज आए, तो उससे पहले ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 हो जाएगी, ये भी आपका 0 होगा। 3 को अपने को दिखते हैं सेकंड चांस के अलावा, कई चांस सेकंड चांस की बात हो रही है, हम उसको सेकंड चांस दे चुके, उसकी वैल्यू अब 0 होगी, उसकी 0 होगी। अब 3 जो है सबसे ओल्डेस्ट पेज यहाँ पे 2 ही है, इससे रिप्लेस करें तो ये आपका 3 रहा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 है और ये आपका 4 0 हो जाएगा। इसके बाद ये अगला देख रहे हैं। अब इसके बाद देखो 2 आ रहा है। अब 2 अगर देखें इसके बैक में जाए अगर, तो 2 तो रिप्लेस हुआ ना 5 ही हमारा रिप्लेस हो सकता है, बट 5 रिप्लेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 का रेफरेंस वैल्यू क्या है, 1 है। 3 अभी आया तो कौन सा वैल्यू हमारा रिप्लेस होगा, 4 रिप्लेस होगा, ठीक है ना, 4 रिप्लेस होगा। देखते हैं इसको, तो इसके हम देखते हैं कि इस वैल्यू अब ये 4, अब नेक्स्ट वैल्यू 2 है तो हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, फाइव को मैं कर नहीं सकता हूँ, 1 है इसका, 0 है, ये रिप्लेस होगा, आपका पेज हार्ड था, ये आपका उसे रिप्लेस हो जाएगा पेज हार्ड। इसी तरह एक और बन जाएगा यहां पे, थ्री के लिए। अब 3 यहां पे आ गया, थ्री आपका हिट हो गया, हिट में क्या देखते हैं, अब ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1, ये 5, ये आपका 0 था, ये 0 है आपका, ये 2, अब ये वैल्यू फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगी, 1 सेकेंड चार्ज, ठीक है, ये हम यहाँ पे देख। ठीक है, तो अब आते हैं ये वैल्यू आपके यहाँ पे 3 5, तो आपको ये पेज हिट हो गया। अब आता है 5, तो
तो फाइव के साथ क्या आएगी वैल्यू आपकी, फिर से पेज आपका ठीक है। आपका थ्री था, वैल्यू वन है, और ये आपकी वैल्यू फाइव है, तो ये आपका फाइव फिर से हिट हो गया, वन हो जाएगी, ये आपका टू रहा, जीरो है, ये आपका हिट। तो यहां पे हिट पेज अगर देखें, हिट कितने हुए, पेज फॉल्ट के, हिट में देखें तो एक दो तीन चार पाँच, पांच हिट हुए, पेज फॉल्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आपके सेवन पेज फॉल्ट। तो ये था आपका सेकंड चांस या क्लॉक एल्गोरिथम जो मैंने आपको। आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप रिवाइज करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल के थ्रू एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा सेकंड चांस से। फिको मॉडिफाइड एल्गोरिथम है ये, वन पे रिप्लेस नहीं करता पेज को, जीरो पे रिप्लेस करेगा, वैल्यू वन से जीरो, जीरो से वन हो सकती है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंडीशन को देखते हुए आप करेंगे, थ्री फ्रेम करें या फोर फ्रेम करें, कैसे भी कंसिडर करें, दोनों से आप चेक कर सकते हैं इस पेज को। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे आपका कोई एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले एक एक वैल्यू को आप इंसर्ट कराएंगे मेमोरी में, पेज फॉल्ट होगा, दूसरा कराया पेज फॉल्ट हुआ, तीसरा कराया पेज हिट हुआ, क्योंकि सेम पेज आपको मिला और वहीं पर आपकी रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। इसके बाद क्योंकि आपने इसको सेकंड चांस दिया, फिर इसके बाद वैल्यू आपकी आई वापस, आप इस वैल्यू को देख रहे हैं, अगला पेज आया वन, वन ने वन आपका यहाँ पे इंसर्ट हुआ, फिर फाइव आया, फाइव ने थ्री को रिप्लेस किया, प्रीवियस वैल्यू क्योंकि क्या हो गई, जीरो हो गई, एक बार चांस दे चुके, अभी रिप्लेस नहीं हुआ तो वैल्यू आपकी जीरो हो गई। इसके बाद फिर आपका टू आया, टू आपका फिर हिट हुआ, देखिए फिर हिट हुआ तो वैल्यू फिर से सेकेंड चांस मिला, फाइव फोर आया, फोर आपने देखा कि ओल्डेस्ट पेज जो भी रहा उससे आपने इसको रिप्लेस किया, ये रिप्लेस हुआ, ये आपका रिप्लेस हुआ। इसके बाद जैसे जैसे पेज आते गए, फाइव फाइव आपका फिर हिट हो गया, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे बन गई, फिर थ्री आया, थ्री ने फिर रिप्लेस किया, फिर टू आया, टू ने रिप्लेस किया, तो जब थ्री आया फाइव के बाद, फाइव की वैल्यू फिर से जीरो हो गई, तो जैसे टू, टू को इसने रिप्लेस कर दिया, इसके बाद फिर से टू आया, टू ने फोर को रिप्लेस किया, इसके बाद फिर टू के बाद फिर आपका क्या आया, फिर थ्री आया, ये वैल्यू फिर जीरो हो गई। जब थ्री आया तो थ्री जो है आपका दोबारा से पेज फॉल्ट नहीं हुआ, पेज हिट हुआ, वैल्यू यहाँ पे फिर से वन हो गई, देखिए जीरो से वन हो गई। इसके बाद फिर आपका फाइव आया, फाइव फिर से आपका पेज फॉल्ट हो गया, इस तरह ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो।
सेकंड चांस एल्गोरिथम का। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम। थैंक यू।